ब्लैक कलर का वीडियो जिसमें मैंने बोला था कि हर काली क्रेटा नाइट एडिशन बनेगी। ओनर ऑफ द कार मिस्टर शुभम फ्रॉम एमपी मध्य प्रदेश से आए, बोला नहीं तनवीर सर, अब हर वाइट क्रेटा भी नाइट एडिशन बनेगी। तो यस दोस्तों, प्राउडली आप लोगों के सामने फिर से मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ क्रेटा 2022 इन नाइट एडिशन। लेकिन आज मैं जेन्युइनली बोलूँगा, वाइट में ज़्यादा अच्छी लगती है नाइट एडिशन। कैसे? फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में हमने नाइट एडिशन की ग्रिल इंस्टॉल की है, और इसकी एक खास बात आती है, जो हुंडई का लोगो आता है वो डार्क क्रोमियम का आता है, और जो रेड एलिमेंट्स हैं जो स्टैंड आउट इसका बढ़ाते हैं, कुछ अलग बात है। मैं हर वक्त में क्यों आप लोगों को बोलता हूँ सर, गो फॉर दी जेन्युइन स्किड प्लेट का एक स्टैंड आउट देखिए, इसकी फिटमेंट, इसकी फिनिशिंग, और अगर एक जेन्युइन लुक देना है, अगर मुझे टॉप मॉडल के जैसे पूरा दिखना है, तो मुझे स्किड प्लेट लगानी पड़ेगी, मुझे डिफ्यूज़र्स इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे। ट्रियो हेडलाइट्स भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। इसकी एक खास बात है, इसके जो DRLs हैं काफ़ी ब्रॉडर आते हैं, इसका दिन में नाइट में जो स्टैंड आउट आता है, एंड यस दोस्तों, कोई नहीं देख के बोल सकता है कि ये क्रेटा ई वेरिएंट मॉडल है। हमारा ई वेरिएंट है ही ऐसा, चाहे इसे नाइट एडिशन बना दीजिए, चाहे इसे SX बना दीजिए, लेकिन फ्रंट प्रोफाइल वाइट कलर की, खास करके कार में जो नाइट एडिशन की ग्रिल जो स्टैंड आउट बढ़ा रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और यह स्पोक लेंस में हमने LED से इंस्टॉल की है। टू टोन वाइट कलर की कार है दोस्तों, मैंने टू टोन की हुई है। अगर एक साइड से भी कुछ अलग एक स्पोर्ट्स लुक मुझे देना है, तो मुझे टू टोन करना ही पड़ेगा। 17 inches के डायमंड कट अलॉय व्हील हमने इंस्टॉल किए हैं। मिरर के जो DRLs हैं वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। इसका एक लुक, मिरर के जो DRL हैं विद द मैट्रिक्स इंडिकेटर के साथ हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन मोड है काफ़ी अल्टीमेट है, मैंने गोरखपुर के वीडियो से ये लॉन्च किया था, और इसकी काफ़ी बढ़िया डिमांड है। नाइट टाइम में मिरर के जो DRLs हैं बहुत ही अलग एंड अल्टीमेट लगते हैं। दोस्तों, एक साइड का जो मेन स्टैंड आउट टू टोन के साथ कब आएगा, जब साइड की जेन्युइन स्किड प्लेट लगेगी। ये कार में हमने साइड की जेन्युइन स्किड प्लेट नाइट एडिशन की इंस्टॉल की है, जो पियानो ब्लैक कलर की आती है। एक चाहे मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, चाहे आप गन मेटल कलर की लगाइए या नाइट एडिशन की लगाइए, लेकिन स्किड प्लेट ज़रूर लगाइए। ये जो साइड के पैनल्स हैं वो भी हमने नाइट एडिशन के रिप्लेस किए हुए हैं। ये कोई भी विनाइल वगैरह रैपिंग नहीं है, आप इसकी एक जो ग्लेज है पेंट का, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और कोई भी जितने सिल्वर एलिमेंट्स हैं वो हमने निकाल दिए हैं। जेन्युइन शार्क फिन एंटीना इंस्टॉल किया है। ट्रियो टेल लाइट्स भी हमने इंस्टॉल की है। और यस दोस्तों, तो आन बान शान रियर की स्किड प्लेट, दोस्तों जो गेटअप, जो स्टैंड आउट रियर के स्किड प्लेट साइड की स्किड प्लेट के साथ आता है, कुछ अलग ही है। व्हाइट कलर की कार, चाहे आप नाइट एडिशन बना दीजिए, चाहे आप SX बना दीजिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन एक साइड की स्किड प्लेट बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है लुक के लिए। अब आएंगे इंटीरियर में। MP से काफ़ी वीडियोस उन्होंने देखे हुए हैं मेरे। जो इनर की जो ट्रिम्स हैं, हमने इसे स्पार्कलिंग ब्लैक विद द सैटिन इफेक्ट के साथ किया है। एक ट्रिम में स्पार्कलिंग ब्लैक करने से एक अलग ही पूरा लग्जूरियस जो इंटीरियर हमें आना चाहिए वो इससे है। चारों डोर की लेदर रैपिंग है, इनर हैंडल्स हमने रिप्लेस किए हुए हैं, रियर के जो चार्जर भी हमने इंस्टॉल किया है, एंड यस दोस्तों, रियर की जो सीट की फिटमेंट फिनिशिंग बहुत ही अलग है। एंड ये कार में हमने ग्रैब हैंडल्स एंड रीडिंग लैंप्स भी हमने इंस्टॉल की है। फ्रंट प्रोफाइल में एज यूजुअल मिरर के ट्रिम कटिंग नहीं करूँगा, ट्रिम जो है हम चेंज करके देते हैं फॉर दी बेटर, जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट रहती है, कटिंग कटिंग रहता है, ट्रिम चेंज ही रहती है। लेकिन जो स्पार्कलिंग इफेक्ट विद द सेटिंग के साथ, चारों डोर की लेदर पैडिंग विद द एक्टिव एम्बियंट लाइटिंग, एंड यस, जो सुप्रीमो 3 एडिशन सीट कवर ब्लैक विद द रेड के साथ हमने इंस्टॉल किए हैं, एक एक फिटमेंट फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन नाइट एडिशन कंप्लीट कब होती है, जब हम AC के जो वेंट्स हैं ब्लैक विद द रेड के साथ इंस्टॉल करते हैं, काफ़ी प्यारे लगते हैं।
ब्लॉपंग का प्लेयर लगाया है विद द AHD कैमरे के साथ हमने, एंड यस स्टीयरिंग ऑडियो, क्रूज कंट्रोल, सनग्लास होल्डर, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव इंस्टॉल इन दिस कार। लेकिन दोस्तों एक लेफ्ट डोर की जो स्पार्कलिंग सेटिन विद द एक्टिव एम्बियंट लाइटिंग के साथ अगर मैं बात करता हूँ लग्जूरियस इंटीरियर की, तो यही चीज इसे कंप्लीट करती है। अब हर व्हाइट क्रेटा भी बनेगी नाइट एडिशन दोस्तों। मैंने ब्लैक कार में बोला था, लेकिन दिल से व्हाइट कार बहुत ही अल्टीमेट लग रही है। MP मध्य प्रदेश, कहां से शुभम? इंदौर से आए हैं, लेकिन इनका रिव्यू बहुत मैटर करता है। 6 घंटे में तो इनकी कार पूरी अपग्रेड कर दी है हमने, लेकिन ये 6 घंटे में कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस, मेरा टीम वर्क कैसा है, और यहाँ आके वर्थ है कि नहीं? मैं हर वक्त हर कस्टमर को एक ही बात पूछता हूँ, क्योंकि इंदौर काफी दूर है हमारे यहाँ से। कैसा रहा सर एक्सपीरियंस? मुझे एकदम आज जो 6 घंटा जो बिताया है मेरे वर्कशॉप में, कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, हर चीज जेन्यून है एकदम, और इनका नेचर माइंड ब्लोइंग एकदम सुपर। हर चीज का मतलब प्राइस वाइज देख लो, काम का तरीका देख लो, हर एक चीज की फिटिंग प्रॉपर, और द वे ऑफ वर्क वेरी नाइस। आई एम फुल्ली इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस। थैंक यू। अभी सीधा जा रहे हैं, एंड स्पेशली हाईली रिकमेंड, अगर आपको गाड़ी अपग्रेड करवानी है कुछ भी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वी ऑटो गैरेज आए, और आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे इसके लिए, ये गारंटी है हमारी भी। ये चीज कमाई है हम लोगों ने। थैंक यू सर। मैं एट लास्ट एक ही बात बोलता हूँ, ये स्माइल चाहिए मुझे। और सर सुबह से आप तो थे, ऐसा नहीं कि आप इंदौर से आए तो वो चीज है। हाउ इज द एटमॉस्फेयर? हर कस्टमर कैसा? हर कस्टमर को ऐसा ही फील होगा, चाहे वो कितनी दूर से हिंदुस्तान के कोई से भी कोने से आ जाए, उसको ऐसा ही लगेगा कि मैं मेरे घर में बैठा। थैंक यू सर। और जो काम हुआ है ना, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन हुआ है हमारे लिए, जो इन्होंने काम वर्क करके दिया है, मतलब हमें भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना अच्छा हम अपग्रेड हो जाएंगे, पर बहुत ही बढ़िया अपग्रेड किया इन्होंने, हम फुल्ली सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। क्रेटा मेरा पैशन है, क्रेटा मेरा काम नहीं है। डे क्या, नाइट क्या, एडिशन चाहे एसएक्स क्या, हर एडिशन बना सकते हैं, लेकिन मैं हर वक्त आप लोगों को जेन्युइन ही सजेशन देता हूँ। थैंक यू। चाहे व्हाइट का कार रहे, ब्लैक कलर की कार रहे, लेकिन दोस्तों मैं हर वक्त आप लोगों को जेन्युइन के लिए सजेशन देता हूं। और यस दोस्तों, ये डिफ्यूज़र वगैरह लगा के आए थे, उतना नहीं आइडिया था, लेकिन इधर आके देखा कि जेन्युइन क्या चीज़ रहती है, रिमूव करके एक चीज़ का गैप नहीं, कुछ नहीं, और लुक स्टैंड आउट आप लोगों के सामने। ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये वाइट मेरी नाइट एडिशन आपको किस तरीके से लगी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।